हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गूगल पे का UPI पिन कैसे चेंज किया जाता है। आपको अपने गूगल पे ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको ऊपर कोने पर एक लोगो दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। बैंक अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से बैंक अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा जिस पर लिखा है मैनेज UPI ID, मैनेज UPI नंबर्स, डिस्प्ले QR कोड, फॉरगेट UPI पिन, चेक बैलेंस। आपको फॉरगेट UPI पिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपने डेबिट कार्ड का 6 अंक लास्ट का डाल देना है। यहाँ पर मैं अपने डेबिट कार्ड का लास्ट का 6 अंक डाल देता हूँ। अब आपको डेबिट कार्ड के नीचे 4 अंकों का एक वैलिड ऑप्शन दिखेगा, उसको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर मैं इसको भी डाल देता हूँ। अब आपको इस एरो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा प्रोसेस आ जाएगा। अब आपको गूगल ऐप की तरफ से 6 डिजिट का अंक आ जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपको राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर बोल रहा है कि आप 6 डिजिट का UPI पिन डालिए जो आप बनाना चाहते हैं। यहाँ पर मैं 6 डिजिट का UPI पिन डाल देता हूँ। अब आपको राइट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर कंफर्म करने को बोल रहा है कि आप फिर से वही 6 डिजिट का UPI पिन डालिए। यहाँ पर मैं फिर से उसी UPI पिन को डाल देता हूँ। अब आपको राइट कर देना है। जैसे ही आप राइट करेंगे आपका UPI पिन चेंज हो जाएगा। आप UPI पिन को कहीं पर लिख कर रख लेना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप मेरे लिंक से गूगल पे ऐप को डाउनलोड करते हो तो आपको 21 रुपये का बोनस मिलेगा, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा।